हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक जेल हेयर डाई बताऊंगी। आज की रेमेडी मेरी बालों से रिलेटेड है। जो मैं आपको डाई बता रही हूँ वो जेल वाली होगी, जो बालों के लिए बहुत अच्छी है। बालों को कंडीशनर भी करेगी, बालों में आपके डैंड्रफ है तो उसे भी हटाएगी, बालों को कलर भी देगी। इसलिए तो एवरीवन, आज की डाई में मैं जो आपको बता रही हूँ वो जेल हेयर डाई है। उसके लिए मुझे चाहिए मेहंदी। ये मैंने मेहंदी ली है 1 चम्मच के करीब मैंने, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बना के बता रही हूँ, इसलिए ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब मेहंदी ली है। इसके लिए उसमें मैं लूँगी अलसी। अलसी को मैं पानी में पकाऊंगी, क्योंकि पानी में पकाने के बाद क्या है, इसका भी जितना जेल है वो बाल सारा पानी में निकल के आ जाएगा। और ये अलसी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 प्रोटीन विटामिन इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये खाना भी बहुत अच्छा होता है और लगाना भी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए इसे एक मैं जेल बनाऊंगी अलसी से, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है हर तरीके से। आपके जिनके बाल फिजी हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके बाल ऑयली हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके बाल रफ़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए और जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल 2 मुंह के बाल हैं, बाल एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी डाई है। इसलिए इसके लिए मैं अलसी लूँगी। अलसी को मैंने ये देखिए पानी में पकाया है, ये मैंने 1 कटोरी पानी में 2 से 3 चम्मच अलसी को अच्छे से पकाया है। अलसी को आपको 1 कटोरी भरकर पानी लेनी है, उसमें 2 से 3 चम्मच के करीब आपको अलसी लेनी है। उसे अच्छे से आपको पानी में पकाना है, और पानी में पकाने के बाद आपको आप देखेंगे ये नेचुरल इतना ज़्यादा ना तो इतना गर्म है ना ही इतना ठंडा है, क्योंकि ये जितना ठंडा होता रहेगा अलसी का ये सिरम इतना ही गाढ़ा होता रहेगा। इसलिए आपको इसे बनाने के लिए आपको इसे पकाकर थोड़ी देर के लिए रखना है रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ जाएगी तब इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए अब ये मैंने अलसी ली है, अलसी 1 कटोरी पानी में 2 से 3 चम्मच अलसी को मैंने पकाया है। इसलिए अब मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने देखी ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने मेहंदी ली है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग, आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे हैं आपको उस हिसाब से बालों के लिए मेहंदी लेनी है। ये मैंने ओपन मेहंदी ली है पतंजलि की हिना, जो बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इसलिए तब ये मैंने पतंजलि की हिना ली है इसमें। अब इसमें मैं ये अलसी का सिरम डालूंगी। ये दोनों चीज़ें आपको बालों के अकॉर्डिंग लेनी है। आपको अलसी को स्ट्रेनर से छान लेना है, नहीं तो अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो अलसी नीचे बैठ जाएगी, तो आप इसका ऊपर से आपका सिरम ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा इसका ऊपर से सिरम लेना है। ये मेरा 5 से 6 चम्मच के करीब अलसी का सिरम हो गया है। ये इतना कि ये अलसी का सिरम जैसे हम एग वाइट होता है उसकी तरह होता है, जैसे एक एग का पीले वाला हिस्सा होता है एक वाइट वाला, जो एग का वाइट वाला हिस्सा होता है ये बिल्कुल अलसी का सिरम उसी की तरह होता है। जैसे अंडा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कंडीशनर करता है बालों को, हर तरीके से बालों को बढ़ने में मदद करता है, अलसी भी सेम वही आपके बालों के लिए वही काम करेगी। इसलिए अब इसे अच्छे से आपको घोलना है। ये देखिए पूरा अच्छे से घोलने के बाद इसमें मैं डालूंगी, ये मेरा 1 चम्मच मैंने इसमें आंवला पाउडर लिया है। ये मैं 1 चम्मच इसमें आंवला पाउडर डालूंगी, क्योंकि आंवला बालों को कलर देगा, बालों को कंडीशनर करेगा, बालों को टूटने से बचाएगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा। इसमें मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी। ये मैंने 1.5 चम्मच मेहंदी ली है, इसमें 1 चम्मच आंवला, 5 से 6 चम्मच तक मैंने ये अलसी का सिरम लिया है, और इसमें मैं ये 1 चम्मच के करीब मैं ये कड़ी पत्ते का पाउडर लूँगी। ये कड़ी पत्ते को मैंने छाया में सुखाकर उसका पाउडर बनाया है। ये भी आपको इजीली, आप कड़ी पत्ता तो सभी जगह मिल जाता है आराम से, अगर नहीं भी मिलेगा तो कड़ी पत्ता भी आपको झंडू वालों की दुकान पे, क्योंकि हर जगह कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ये भी आपको झंडू वालों की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। 1 चम्मच मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, और ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसमें भृंगराज पाउडर डालूंगी। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ को मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी वो आपको इजीली कहाँ से मिलेगी। और ये 1/2 चम्मच मैं भृंगराज पाउडर डालूंगी। भृंगराज भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी बालों को काला बनाता है, बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करेगा। इसमें मैंने जो चारों चीज़ें ली हैं ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बालों की ग्रोथ भी करेंगी, बालों को हैवी भी करेंगी, बालों की जड़ें मजबूत करेंगी, और साथ साथ बालों को कलर भी करेंगी। इसलिए अब इन सबको आपको अच्छे से इन सब पाउडर को अच्छे से मिलाकर आपको ये डाई बनानी है। इस डाई में आपको इसका जेल, आप जैसे जेल वाली बन जाएगी तो इसको आपको अपने बालों के हिसाब से जिस हिसाब से आप मतलब बालों में लगा सकते हैं उसी हिसाब से आपको इसे थोड़ा पतला या गाढ़ा रखना है। इसलिए
देखिए इसको अच्छे से आपको फेंटना है, क्योंकि अलसी थोड़ा जेल टाइप की होती है, तो उसे थोड़ा ये जितनी भी इसमें लम्स बने हैं थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि आजकल चीज़ों में भी बहुत मॉइस्चर होता है, बरसात का टाइम है, इसलिए आपको अच्छे से इसे घोलना है। घोलने के बाद आपको इसे आप डाई को कढ़ाई में ही बनाइएगा, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें नेचुरल आयरन आपको मिलेगा, बालों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए ये देखिए मैंने इसे घोला, अच्छे से मिलाया, देखिए ये मिलते मिलते ही ये कितनी ब्लैक शेड आ गया इसका। अब जी ये देखते देखने में इतनी ब्लैक लग रही है, तो जब इसका बालों में कलर आएगा तो देखिए आप कितना अच्छा कलर आएगा। इसलिए अब इसको अच्छे से आपको कढ़ाई में घोलना है। देखिए इसको ज़्यादा लंबा घोल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप मेहंदी को डाई को अपने बालों में लगाने से आधा घंटा पहले घोल कर रख दीजिएगा। आधे घंटे में इसका जितना भी इसमें टेक्सचर है सब इस मेहंदी में आ जाएगा, जितनी भी इसमें ताकत वाली चीज़ें हैं, जितने भी आपके बालों को बेनिफिट देंगी वो सब अपना अंश इसमें छोड़ देंगी मेहंदी में। ये देखिए इसको घोलने के बाद ये ऐसी फैलने वाली डाई नहीं बनेगी, देखिए पूरी जेल वाली बनी, जैसे जेल होता है, ये देखिए जेल की तरह बनेगी बिल्कुल, ये जैसे जेल बनता है उसी तरह। जब इसे आधा घंटा आप रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा नेचुरली जेल की तरह, जैसे जेल कलर आता है एक बिल्कुल सेम उसी की तरह हो जाएगी। इसको आपको अच्छे से बालों को साफ़ करना है, आपको अपने बालों में साफ़ करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे तक, 3 घंटे तो मैक्सिमम आपको इसे बालों में लगाकर रखना ही है, लगाने के अच्छे से। आजकल गर्मी का मौसम है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे 3 घंटे तक आपको मैक्सिमम बालों में लगाकर रखना है। अगर आप शावर कैप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना भी अलसी का, आंवले का और भृंगराज का जितना भी टेक्स्चर है वो आपके बालों में अच्छे से सेट हो जाए, उसके लिए 3 घंटे बाद आपको अच्छे से बालों को प्लेन पानी से वॉश करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपके बाल कितने सॉफ्ट, कितने शाइनी और कितने सिल्की हो जाएंगे। ये एवरीवन इस जेल ड्राई को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके साथ साथ किसी और को भी फ़ायदा पहुँच सके। तो प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन तो ज़रूर दबाइएगा, और आपको मेरी ड्राई कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।